जो टीनेज रोमांस होता है उसमें बातें ज्यादा नहीं होती ना, साइलेंसेस बहुत होते हैं। अगर आप सोचेंगे ना, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं था और हम बहुत पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो टैटू बनाते। उसके बाद मुझे सिर्फ याद है कि मैं अगले सुबह उठा और ये टैटू मेरे कंधे पे था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, द कपिल शर्मा शो में मेहमान बनकर आई है प्रियंका चोपड़ा अपने द स्काइज पिंक को स्टार फरहान अख्तर के संग टू द प्रमोशंस ऑफ द फिल्म। दोनों एक्टर्स को देखा गया बड़े ही मस्ती भरे मूड में। कपिल के साथ कॉन्वर्जेशन के दौरान फरहान ने अपने स्कूल कॉलेज टाइम के रोमांस के बारे में बताया एंड रिवील किया टैटू के पीछे की कहानी। तो आइए दिखाते हैं इसकी एक झलक। स्काइज पिंक में एक सीन है जिसमें फरहान प्रियंका से बात कर रहे हैं फोन पे, रोमांटिक बातें कर रहे हैं, और ऊपर से इनके पापा आ जाते हैं फिल्म में और ये फोन रख के सो जाते हैं। फरहान, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है स्कूल कॉलेज टाइम में? नहीं, डैड ने तो कभी मुझे नहीं पकड़ा है, लेकिन मॉम ने कई बार फोन पर मुझे पकड़ा है, क्योंकि तब लैंडलाइन हुआ करते थे, सेलफोन वेलफोन तो था नहीं, राइट? तो एक आपने फोन नीचे उठाया, ऊपर से अगर मम्मी को फोन करना उन्होंने उठा लिया। मतलब जो टीनेज रोमांस होता है उसमें बातें ज्यादा नहीं होती ना, साइलेंसेस बहुत होते हैं। अगर आप सोचेंगे ना, तो और कभी सिर्फ फोन पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाय, तो मम्मी भी परेशान है कि कुछ तो बोलो। फरहान, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपके राइट हैंड पे जो टैटू है वो आपने बनवाया नहीं, खुद प्रकट हुआ है। हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जो टैटू है, ये एक ऐसे वक्त पे था जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं था और हम बहुत पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो टैटू बनाते। उसके बाद मुझे सिर्फ याद है कि मैं अगले सुबह उठा और ये टैटू मेरे कंधे पे था। बचपन में आप बाथरूम की जगह मम्मी के बेड पे भी नहा लेते थे? ये सही बात है, क्योंकि हाँ आई डिड, क्योंकि जोया जो थी मेरी बहन जी, वो हमेशा जाके जो मेरी मम्मी है उनके कमरे में वो नहाती थी। अच्छा। और मैं बच्चों का कमरा था, मैं उसमें नहाता था, तो हमेशा के मुझसे कहती थी कि आई हैड अ बाथ इन मॉम्स रूम, आई हैड अ बाथ इन मॉम्स रूम। मुझे बहुत जलन होती थी कि यार वो मम्मी के कमरे में नहा रही है और मुझे कभी परमिशन नहीं मिलता है। अच्छा। तो एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि मॉम कैन आई हैव अ बाथ इन योर रूम, तो उन्होंने कहा हाँ ऑफ कोर्स यू कैन। वो चली गई कहीं, तो मुझे हमेशा लगता था कि जोया उनके रूम में वो नहाती थी। अच्छा। तो मैं एक बाल्टी ली, खींचता हुआ उनके बाथरूम से मैं बेडरूम तक ले गया और बिस्तर के साइड पे मैं ऐसे बैठा और मैंने मग लिया और अपने आप पर पानी डालना शुरू किया। है ना एंटरटेनिंग? डू लेट अस नो योर व्यूज। तब तक स्टे ग्रिप्ड विद अस फॉर न्यूज़, गॉसिप्स एंड मच मोर। Thank you.